समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस महोत्सव में शिरकत किया। मुख्यमंत्री ने मंथन और स्मारिका का विमोचन भी किया। इस दौरान गोरखपुर महोत्सव में गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति विजय कृष्ण सिंह, कमिश्नर जयंत नलिकर, आईजी रेंज जय नारायण सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे, एसएसपी डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, नगर महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, कैंपियरगंज विधायक फतेह बहादुर सिंह सहित अन्य विधायक व नेता और अधिकारीगण मौजूद रहे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपो ज्योति नमोस्तुते साज्यं वर्ति संयुक्तं वनहिना योजितं शुभं सिद्धार्थं सर्वकार्योऽयं मंगल दीपं नमाम्यहं मंगल दीपं नमाम्यहं मंगल दीपं नमाम्यहं। विधायकगण, कुलपति श्री बीके सिंह जी, एडीजी रेंज, जिलाधिकारी एवं एसएसपी महोदय, अन्य गणमान्य, सर्वप्रथम मैं इस महोत्सव की प्रेरणा विकास उन्मुखी गोरखपुर महोत्सव 2020 का आयोजन के हाथों में और उनके कर कमलों से इसका विमोचन हो रहा है। इस सुंदर पलों की शोभा अपनी तालियों से और बहुगुणित करिए, जोरदार तालियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर महोत्सव में आए लोगों को संबोधित किया और उनका इस महोत्सव में योगदान के लिए धन्यवाद भी दिया। साथ ही उन्होंने उपस्थित लोगों को अपने ही संबोधन में मकर संक्रांति की बधाई भी दी। और सभी लोगों ने मिलकर के उसको जब आगे बढ़ाया है तब गोरखपुर इस स्वरूप में आया है। विकास की योजनाओं की एक गाथा आपने भी यहां देखी है और ये तीसरा महोत्सव गोरखपुर महोत्सव के रूप में हम सबके सामने आज संपन्नता की ओर जा रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रशासनिक टीम जो यहां पर कार्य कर रही है उसको जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी और आम जनमानस के द्वारा भी सराहा जा रहा है। ये वास्तव में प्रशासन की एक कसौटी होती है और खास तौर पर गोरखपुर जैसे जनपद में जिसकी पहचान कभी अपराध के रूप में होती थी, गंदगी के कारण इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारियों के कारण होती थी, इस सामूहिकता का परिणाम है कि स्वच्छता की रैंकिंग जब ग्रामीण क्षेत्र में होती है तो प्रदेश के अंदर गोरखपुर नंबर एक स्थान पर आता है। और अगर नंबर एक पर बने रहना है तो हम सबको मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बनना ही होगा। मुझे अच्छा लगा गोरखपुर महोत्सव में अनेक कार्यक्रम हुए हैं, अनेक रचनात्मक कार्यक्रम हुए हैं, स्थानीय कलाकारों को, उद्यमियों को, समाज जीवन से जुड़े हुए, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए विभिन्न महानुभावों को एक मंच देने का कार्य गोरखपुर महोत्सव ने किया है। यहां पर खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के साथ ही हम परंपरागत उद्यम को आगे बढ़ा सके इस दिशा से भी कार्यक्रम हुए हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए
कि जो हमारा यहाँ पर यूथ है, जो युवा है, जो छात्र छात्राएं हैं, इन लोगों के लिए इस प्रकार की रचनात्मक गतिविधियों को इस प्रकार के महोत्सव के माध्यम से और आगे बढ़ाने का कार्य किया जाना चाहिए, जिसके माध्यम से ये लोग अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकें। भिन्न प्रकार की देश विदेश की उन व्यापारिक गतिविधियों को जो न केवल निवेश से जुड़ी हुई हो, अभी तो रोजगार सृजन भी जिसके माध्यम से करके हम लोग व्यापक पैमाने पर अपने युवाओं को भी और युवा उद्यमियों को भी प्रोत्साहित कर सकें। ये गतिविधियां अगर आगे बढ़ सकें तो एक नई परंपरा की शुरुआत महोत्सवों के साथ जुड़ेगी। स्थानीय कलाकारों के लिए, स्थानीय संस्कृति कर्मियों के लिए, विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए, चाहे वह खेलकूद से जुड़े हुए हों या फिर हमारी विभिन्न उन विधाओं से जुड़े हुए जो हमारे युवा हैं, उनके लिए भी उस प्रकार के आयोजनों का एक माध्यम महोत्सव जैसे आयोजनों को बनना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि एक बेहतर प्रयास प्रशासन ने टीम वर्क के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं एक बार पुनः इस पूरे आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए आयोजन समिति को हृदय से साधुवाद देता हूँ। इतने भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित गोरखपुर के जितने भी विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए जो भी यहाँ पर हमारे स्थानीय नागरिक आए हैं, बालक बालिकाएं आए हैं, इन सबको मैं मकर संक्रांति की हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि गोरखपुर महोत्सव एक नई ऊर्जा के साथ हमें गोरखपुर को आधुनिक और विकसित गोरखपुर बनाने के लिए